हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन पूर्ण रूप से कामयाब रहा है, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 18 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस है। इनमें से 16 केसेस जो है वो तबलीग जमात के संबंधित लोगों में से है और 2 केस जो है ब्रुकलिन अस्पताल के जो कर्मचारियों के साथ ये पॉजिटिव केसेस निकले हैं। और पहले 21 केस अंडर ट्रीटमेंट होता था, अब 18 केसेस है। एक किस्म से हम कह सकते हैं कि हम कामयाब रहे, लेकिन हम कॉम्प्लेसेंट इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 32 केसेस हुए हैं और जो इन्फेक्शन चेन को काटने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण से इस वक्त तबलीग जमात के जो है 845 लोगों को हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन में रखा है और इनके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। एक बात हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ लोग जो होम क्वारंटाइन में है वे होम क्वारंटाइन जंप कर रहे हैं और इनको मैं चेतावनी देता हूं कि आइंदा अगर हमारे नोटिस में ऐसा होम क्वारंटाइन जंप करने का आता है तो हम उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखेंगे। अब आप अपने घर में रहते हैं, ज्यादा कंफर्ट में रह सकते हैं, अगर आप जंप करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा और वहां पे उतना कंफर्ट नहीं रहेगा और असुविधा को आपको झेलना पड़ सकता है। इसी तरह जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव जिनका निकले हैं वे जब घर जाते हैं नेगेटिव होने के उपरांत, 2 बार नेगेटिव होने के उपरांत, उनको किसी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सोशल बॉयकॉट ना करें और उनको अपना परिवार का सदस्य समझे और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखे। और इसी तरह हमारे नॉलेज में आया है कि कुछ लोग जो है जो हेट मैसेजेस है, जो धर्म के संबंधित हेट मैसेजेस खासतौर पर फॉरवर्ड करते जा रहे हैं और इसलिए इससे एक समाज में कम्युनल टेंशन पैदा होने की संभावना है। और आपको पता होना चाहिए कि हेट मैसेजेस अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उस तरह का मैसेज आपके पास आता भी हो उसको आप फॉरवर्ड ना करें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हमारा खतनी और खरनी एक जैसा होना चाहिए। इस वक्त घरों में लोग जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और वेजेस ना मिलने से लोग परेशान हैं और इस वक्त हम एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। आज मैं आते वक्त देखा गुरुद्वारा के बाहर सैकड़ों लोग जो है सिर्फ खाने के लिए क्यू में खड़े हैं। हमें इन गुरुद्वारों से सीखना चाहिए, हमें दूसरों के लिए कुछ करने के लिए ये सुनहरा मौका है, इस मौके को हमको खोना नहीं चाहिए। इट इज सेड दैट हैंड्स दो सर्व इज होलियर देन लिप्स दो प्रे। जो हाथ सेवा करता है वो जो होंठ प्रार्थना करते हैं उससे ज्यादा पवित्र है। इसी तरह कहा जाता है कि एन औंस ऑफ प्रैक्टिस इज ग्रेटर देन टन ऑफ प्रीचिंग। जो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करें, थोड़ी सी मदद करें, उसको भगवान ज्यादा पसंद करता है। हम कहते हैं कि कर्मण्येकम् वचस्येकम् मनस्येकम् महात्मानम्, जिसका थॉट वर्ड्स डीड एक जैसा हो, इसलिए गांधी जी को एक उपाधि दिया, सही दिया, महात्मा, महात्मा गांधी। कर्मण अनैक्यम वचस अनैक्यम मनस अनैक्यम दुरात्मानम्, अगर ये अलग अलग है हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है। और साईं बाबा ने कहा वॉच द स्पेलिंग ऑफ वॉच, WATCH stands for words, action, thought, character and thought। हर वक्त हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं और जो कुछ करते हैं उस वक्त हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या हम आर वी वॉचिंग द स्पेलिंग ऑफ वॉच। जो लोग हनुमान के भक्त है उनको शायद फीलिंग होता होगा कि इस वक्त हनुमान आके संकट से छुड़ा दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा में साफ लिखा है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन थॉट वर्ड्स एंड डीड से अगर हम एक ही रहेंगे तो सर्टनली हनुमान जी आप सबका मदद कर सकते हैं। इसलिए तमाम हनुमान भक्त जो है थोड़ा सा एक दूसरे का मदद करें, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाए और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड या CM कोविड फंड पे थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करें। हमारा एक्शन से अगर हम दिखाते हैं तो जरूर हमें हनुमान जी संकट से छुड़ा सकते हैं। भगवान हर वक्त हर चीज देखता है। भगवत गीता में कहा गया है कि
सर्वतः पाणिपदं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. एवरी ऑल आईज एंड इयर्स आर दैट ऑफ द सुप्रीम पावर. ही इज एवर वॉचफुल. नथिंग कैन बी हिडन फ्रॉम हिम. हम अगर जितना भी धन दौलत पोजीशन पावर हो, अगर हम जो सोचते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं जो बोलते हैं वही करते नहीं है, हमारा थॉट वर्ड्स डीड्स एक जैसा नहीं है, भगवान हमें एक क्रेडिबल पर्सन कभी नहीं मानेंगे. भगवान की नजर से हम कभी बच नहीं सकते और धोखा नहीं दे सकते. इसलिए इस वक्त हम एक दूसरे का मदद करें. ये एक दूसरे का मदद करने का सुनहरा मौका है. हम कंट्रीब्यूट करें पीएम केयर फंड का और सीएम कोविड फंड के, और साथ में हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने और हैंड वॉश करते रहे. जो भी प्रिकॉशंस मेंशन किए हैं, जो WHO गाइडलाइंस का है, उसको पालना करें. ये हम अपने आप को बचाव के लिए और साथ में समाज को बचाने के लिए. मैं पुनः आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, प्रार्थना करता हूं. और इस वक्त जब हम इकट्ठा होके जब दुनिया रोगमुक्त होने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो दिल से गहराई से करें. धन्यवाद. जय हिंद.